अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? जी पास्ट लेक्चर्स में से कोई क्वेश्चन क्यूरी किसी की हो तो काइंडली मुझे बताएं। सेकेंडली मुझे बताएं आपका वीकेंड कैसा रहा है, वीकेंड पे क्या मसरूफियात रही हैं, क्या क्या आपने की है और क्या स्टेटस है। उस्मान अवेलेबल है? उस्मान लाइव है अभी? वालेकुम सलाम अरूज, कैसी हैं आप? उस्मान अवेलेबल है? उस्मान, आप में से किसी को प्रोजेक्ट मिला हो, कैसा रहा वीकेंड आपका, क्या मसरूफियत रही? ओके जी, उस्मान अवेलेबल है? ओके आपका कैसा वीकेंड रहा? कोई क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन रही, किसी के साथ कोई मैसेज आया हो क्लाइंट का, आपने बिट किया हो, क्या रिस्पॉन्स रहा? वालेकुम सलाम, कैसे हैं उस्मान? उस्मान आप लाइव आ जाएं, मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ। उस्मान मैंने लिंक सेंड किए, काइंडली ये देखिए, ये मैंने नीचे लिंक सेंड कर दिए, आप लाइव आ रहे हैं, ठीक है? अरुज, आपने कोई बिडिंग की है कि नहीं? आप बिडिंग कर रही हैं कि नहीं कर रही? जी, अगर बिडिंग कर रहे हैं तो किस तरह कर रही हैं? मीन्स क्या आपका वे है, वीकली है, दिन में कितनी दफा बिड कर रही हैं?
उस्मान आप लाइव आ रहे हैं? काइंडली मुझे बताएगा सर, मोस्टली फ्रीलांसिंग फ्रीलांसर पे करती हूँ बट दे नेवर रिस्पॉन्स। ओके, आप फाइवर पे भी करें, फाइवर पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, फाइवर पे बिडिंग करें उसके ऊपर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। फ्रीलांसर पे जब हम बिडिंग कर रहे होते हैं उसके ऊपर हमें बहुत फास्ट बिडिंग चाहिए होता है। उसकी रीजन होती है कि इफ यू विल ऑब्जर्व ऑब्जर्व देयर, ठीक है, विद इन सेकेंड्स, विद इन 1 मिनट, ठीक है, वहां पर 15-20 बिडिंग हो जाती है। सो बेटर वे है कि वहां पर कोई आपके पास हो, आप एज सुन एज पॉसिबल कर सकें। मैंने एक और चीज बताई थी, जब आप फ्रीलांसर पे बिडिंग कर रहे होते हैं तो उसका वे होता है कि सबसे पहले आपकी बिड आनी चाहिए। जो सबसे पहले बिड करता है उसका जो रिस्पॉन्स है उसको एक चांस होता है कि वो क्लाइंट के साथ डायरेक्ट उसके मैसेज में जाके कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लासेज है। एक जो है उस्मान है, उनका एक इशू है, उनको मैं ऐड करता हूँ। जी उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उस्मान की निहेर में वालेकुम सलाम। आरटी मनान, कैसी हैं आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी लेकिन बहुत स्लो है। जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा जी, लेट मी। अच्छा सिनेरियो ये उस्मान कि ना आपको परेशानी वाली बात नहीं है? लेट मी रीड योर मैसेज। यस अब मुझे आ रही है। अच्छा जी, आपने अगर उस बोला है 2 घंटे में कर देंगे, इसका ये मतलब नहीं कि आप जैसे ही आपको प्रोजेक्ट असाइन हुआ था आप कर देंगे, ठीक है? अभी करना आपने 2 घंटे में, जी जो टास्क है ये 2 घंटे रहेगा, कब आप स्टार्ट करेंगे ये एक अलग चीज है। सो इजी बीजी, परेशानी वाली बात नहीं है, पहली चीज होगी। दूसरी चीज है कि आपने जो टास्क बताया है कि आपने क्या ऑटोमेटेड जैसे भी पोस्ट करेगा, पोस्ट विल बी शेयर ऑन सोशल मीडिया, ऐसे ही है? कौन कौन से सोशल मीडिया पे शेयर करनी है? मुझे अभी कौन सा? फेसबुक बस फेसबुक पे करनी है। अच्छा, इसका ना होता क्या, 1 क्लिक के ऊपर हो जाती है। अगर आपको यहाँ पर पोस्ट करोगे तो वो भी हो जाएगी, तो उसके लिए थोड़ा एपीआई को देखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे होता क्या कि आपको प्लग इन मिल जाता है। जी यार, अभी तो हमारी क्लास का टाइम स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैं उस तरह नहीं आपके एनडेस्क पे नहीं आ सकता। वैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपका एक कोई प्लगइन होगा, अभी जो प्लगइन अवेलेबल है मार्केट में जो बहुत इजी आपका काम करेंगे, 1 क्लिक के ऊपर आपकी पोस्ट शेयर हो जाएगी फेसबुक के ऊपर। 1 क्लिक के ऊपर आपकी पोस्ट फेसबुक के ऊपर शेयर हो जाएगी। दूसरा जो है कि जैसे ही आप यहाँ पर पोस्ट करें वहां पर भी शेयर हो, तो उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये किस तरह होना है। ठीक है, और इजी बीजी लो क्लास के बाद फिर हम बात कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पर उसमें एक जो है ना टाइम में शो हो रहा है 24 आवर्स। हाँ दो टाइम कह रहा है, तो 24 आवर्स करना है, 2 घंटे में करना है। और नहीं, तुमने 24 आवर्स में ही करना है, 24 घंटों में करना है। तो सर कितने सब्जेक्ट कह रहे हैं, वो पेड होंगे तो फ्री होंगे? यार कुछ पेड होते हैं कुछ फ्री होते हैं, जो पोस्ट शेयर किए हैं ना कि आपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया वो फ्री होते हैं। वीडियोस में दो टूल देखे, एक मैंने कहा कि एसएस पोस्टेड है इन्वेंटर मार्केट का, हाँ तो मैंने कहा कि ये नहीं बाय करें 45 जो का आ रहा है उससे जो है ना मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये किसने बोला है? यूट्यूब में वीडियो देखी है मैंने। अच्छा, तो दूसरा में एक है, वो नाम है ब्लॉग ब्लॉग टू सोशल, वो फ्री है, बस उसकी हमें कुछ चीज़ें प्रीमियम में आती है। चलो इसको देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, जो आप बता रहे हो ना तो वो देख लेते हैं, कोई इसमें ऐसी सिनेरियो नहीं है। आप इजी बिजी रहो, रिलैक्स हो, आपके पास अभी टाइम है। हम इसको जैसी क्लास खत्म होती है, क्लास के एंड के ऊपर आप दोबारा आओ, दोबारा हम फिर इसको देख भी लूंगा मैं क्या कर रहे हो। ठीक है, ओके सर। ओके जी, चले जी हम स्टार्ट करते हैं। रबी शाली सदरी वैसी अमली बाहुल मुद्दतम मिल्ली सानी अफबा गौली। आज का हमारा टॉपिक क्लासेज है, पीएचपी क्लासेज, इसको हमने लास्ट वीक से स्टार्ट किया हुआ है। ये लास्ट, ये जो वीक है पीएचपी का लास्ट वीक है, इसके बाद हम पीएचपी नहीं करेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी मुझे बताएं। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। निशान आप कैसे हैं? जी सर, हॉस्पिटल में की हिस्ट्री।
अच्छा जी, वालेकुम सलाम। आरटी मनान सर, सर हॉस्पिटल में यूजर की हिस्ट्री के हवाले से कौन सा प्लगइन यूज करेंगे जिसमें यूजर लॉगिन को हो तो के आप अपनी हिस्ट्री रिकॉर्ड करें? अच्छा, डिपेंड करता है, इसके हवाले से प्लगइन सर्च करना पड़ेगा मुझे। अभी राइट नो तो याद नहीं है कि कौन सा प्लगइन होगा भी कि नहीं होगा जो इसके हवाले से हो, हॉस्पिटल के हवाले से। ठीक है, तो वो देखना होगा कि कौन सा डाटा चाहिए इसको, किस तरह उसको मैनेज करना है। ठीक है, ये एक एंटायरली डिफरेंट चीज होगी कि अगर हम बात करें कि हॉस्पिटल की, हमने हॉस्पिटल का पूरा डाटा मैनेज करना है वर्डप्रेस के थ्रू। अच्छा जी, क्लोनिंग ऑब्जेक्ट के पर हम आए थे, हमने जो लास्ट काम किया था वो हम देख लेते हैं। पहले हमने एक क्लास बनाई थी, सिंपल सी क्लास। ठीक है, उसके बाद उसमें एक फंक्शन बना लिया था जिसको हमने प्रिंट करवाया था। उसको दो वे से हमने डाटा जो है प्रिंट करवाया हुआ था। एक करवाया था कि हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा असाइन किया था। ठीक है, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था उसके थ्रू हमने वेरिएबल वन वेरिएबल टू को डाटा असाइन किया था और उसको प्रिंट करवा लिया था। दूसरा था कि हमने जो फंक्शन बनाया था उसी में जाके हमने डाटा प्रिंट डाटा असाइन किया था तो उसे प्रिंट करवाया था। ठीक है, अब इसको खत्म करते हैं, इसको सेव करते हैं। हमारा पीएचपी रन हो रहा है, लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी, लेट मी चेक पीएचपी बैच 10 पीएचपी है, बैच 10 पीएचपी है। तो यहां से हमारा क्या आएगा, पीएचपी क्लासेस आ जाएगा। ठीक है, 26 और 27 पे एरर है, 26 किधर है जी, 27 किधर है? ओके, ये पोस्ट मैंने लगाया हुआ था जिसका कोई नहीं था। इट शुड बी लाइक सिंपल, हम इस पे वैल्यू दे देंगे। वर्ल्ड रिफ्रेश करता हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास आ गए, दिस इज द यूजर प्रिंट मेथड। ठीक है, यूजर नेम हेलो, ठीक है, यूजर पासवर्ड वर्ड हेलो वर्ड, मैंने यूजर नेम पासवर्ड कर दिया। सर क्लास का थोड़ा रिपीट कर दें, लास्ट क्लास मिस हो गई ड्यू टू लाइट। ओके जी, लास्ट क्लास में हमने क्लासेस को ही पढ़ा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्लासेस को पढ़ा, ये आपके सामने है। ये सिंपल सा, हमने इतना सा काम किया था, ज्यादा काम नहीं था किया हमने। ये क्लासेस है यूजर की, हमने क्लास ली है। ठीक है, ये दो वेरिएबल इसके पब्लिक वेरिएबल ले लिए, ये एक फंक्शन बना लिए। ठीक है, जब हम क्लास में फंक्शन यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मेथड कह रहे होते हैं, उसे हम फंक्शन नहीं डिक्लेयर करते। ये चीज हमने लास्ट टाइम भी देखी थी। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो इसका ऑब्जेक्ट बनाया था हमने, ऑब्जेक्ट बना के इनके वेरिएबल को एक्सेस किया था। ये ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे न्यू यूजर को। ठीक है, उसके बाद फ्री का टैग था, इसमें मैंने प्रिंट करवाया था कि क्या वैल्यूज आ रही हैं। उसके बाद दोबारा मैंने ओबीजे यूजर नेम को वैल्यू साइन की थी, यानी कि जो वेरिएबल है ये मेरा वेरिएबल है पब्लिक। ठीक है, इसको मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू ओबीजे यानी कि ऑब्जेक्ट जो भी मैंने बनाया होगा एबीसी, उसके थ्रू हाइफन ग्रेटर देन का साइन और उसका नाम आ जाएगा, उसको वैल्यू साइन कर दूंगा। इसी तरह हाइफन ग्रेटर देन का साइन, उसका नाम पासवर्ड इज इक्वल टू, मैंने वर्ल्ड साइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद दोबारा मैंने इस फंक्शन को कॉल किया था, अपना जो ओबीजे फंक्शन है, यूजर प्रिंट का जो फंक्शन बना हुआ है, ये यूजर प्रिंट का फंक्शन ये बना हुआ है, इसको मैंने कॉल किया ऑब्जेक्ट के थ्रू ओबीजे, ऑब्जेक्ट हाइफन ग्रेटर देन का साइन, इसको मैंने कॉल कर लिया। इसको जब मैंने कॉल किया तो उसने मुझे इसको वैल्यू प्रिंट करवा दी। ठीक है, जब क्लास के अंदर हम वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं, जैसे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं पासवर्ड और यूजर नेम भी, जब इनको फंक्शंस में जाके यूज करूंगा, ठीक है, दिस का कीवर्ड यूज करूंगा, दिस का कीवर्ड कैसे यूज करूंगा जी, ये दिस हाइफन ग्रेटर देन का साइन उसके वेरिएबल का नाम, जैसे यूजर नेम, ये जो दिस है ये पॉइंट कर रहा होता है करंट, करंट जो होता है ना, करंट सिचुएशन, करंट जो होता है आर्गुमेंट उसको पॉइंट कर रहा होता है, करंट आर्गुमेंट के या करंट आपके जो क्लासेस के ना वेरिएबल्स को पॉइंट आउट कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक था, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इधर ही आएंगे वापस यहाँ पर। क्लोनिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, वंस यू हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट इट इज पास्ड बाय रेफरेंसेस व्हेन यू पास, ठीक है, इट इज एज अ पैरामीटर, इट इज मैच बॉक्स मेटाफोर लाइक लाइक दिस इज लाइक कीपिंग
several threads attached on an object stored in a matchbook so that you can follow any attached thread to access it. In other words, while making object assignments does not copy object in there entirely. You will see how this works in example, where we define a simple user class with no method and only the property name. Let me do this for you. तो कह रहे हैं एग्जाम्पल में आप देखिए क्लोनिंग ऑब्जेक्ट के हवाले से अगर वो मेथड कोई भी साइन नहीं कर रहा सिर्फ उसको नाम साइन कर रहा है ओबीजे वन बना हुआ है. अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं ओबीजे वन इज इक्वल टू न्यू यूजर ओबीजे वन ने नेम को एलेक्स असाइन किया ठीक है ओबीजे टू इज इक्वल टू ओबीजे वन ठीक है ओबीजे टू ने कॉल किया नेम को एमी ठीक है इको ओबीजे वन और दोनों का नाम क्या आएगा जी आप इसे कोई आंसर करें. उसने कॉपी ऑब्जेक्ट की है ठीक है एक ऑब्जेक्ट को दूसरा साइन कर दिया तो वैल्यू होगी लास्ट के पर क्या प्रिंट होगी वालेकुम सलाम हमारे साथ सलमान भी हैं उन्होंने क्या किया मैं दोबारा यहां करके बता देता हूं लेट मी कॉपी दिस इसको थोड़ा सा कमेंट कर लेते हैं अभी के लिए. ये हमारे पास एक क्लास बनी है यूजर की ठीक है जो पहले भी ये यूजर की क्लास थी ओबीजे वन उसने नेम एलेक्स साइन किया ओबीजे टू को ओबीजे वन को साइन कर दिया ठीक है. इसको मैं कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए क्लियर हो जाए ठीक है. ओबीजे वन एक ऑब्जेक्ट बन गया मेरा ऑब्जेक्ट वन बन गया ऑब्जेक्ट वन ने नेम असाइन किया एलेक्स को ओबीजे टू को असाइन कर दिया ओबीजे वन अब ओबीजे टू नेम असाइन करते हैं एमी ऑब्जेक्ट वन का नेम ऑब्जेक्ट वन के साथ आता है ऑब्जेक्ट टू का नेम ऑब्जेक्ट टू के साथ आता है देखें क्या रिस्पॉन्स आ रहा होता है ठीक है दोनों का एमी एमी आ रहा है एमी क्यों आ रहा है ये तो लास्ट के पर मेरे नाम ऑब्जेक्ट में एमी साइन किया था ठीक है ये काइंड ऑफ उस तरह नहीं हो रहा होता ठीक है ये कंफ्यूजन भी होती है इसकी कि किस तरह एक ही नाम दो दफा आ रहा है. अब ऑन द अदर हैंड हम अगर दोबारा चलते हैं ठीक है इसके साथ क्लोन का हम वेरिएबल असाइन कर देते हैं ठीक है इसके साथ हम क्लोन का कीवर्ड यूज कर लेते हैं. यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट असाइन किया ना यहाँ पर मैं क्लोन का असाइन कर रहा हूँ GLONE क्लोन ठीक है मैं क्लोन का नाम ले लेता हूँ क्लोन का कीवर्ड यूज करता हूँ. आप देखिए जो पहले को है वो एलेक्स आया दूसरे को एमी आया ठीक है पहले को एलेक्स आ गया दूसरे को एमी आ गया अदरवाइज क्या हो रहा था कि दोनों को एक ही नाम एमी वाला बाद वाला नाम आ रहा था ठीक है. क्लोन के ऑब्जेक्ट से फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होती कि आपने अगर क्लोन भी ऑब्जेक्ट का बनाया हुआ है तो वो किस तरह काम करेगा वो आपको इजी हो जाता है. मैं दोबारा ऑब्जेक्ट वन को एमी के बाद कॉल करता हूँ रिफ्रेश करते हैं ठीक है दोनों का डिफरेंट कर रहा है ठीक है ऑब्जेक्ट वन की वैल्यू ऑब्जेक्ट वन में जा रही है ऑब्जेक्ट टू की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू में जा रही है. सो इस तरह भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं क्लोनिंग ऑब्जेक्ट. अच्छा नेक्स्ट चलते हैं कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर होते हैं. मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि जब हम काम कर रहे होते हैं ठीक है जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है ठीक है किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो सबसे पहले उसे कॉल जो होता है वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है ठीक है. व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट यू कैन पास अ लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट टू द क्लास बीइंग कॉल्ड ठीक है दे आर पास टू अ स्पेशल मेथड विद इन द क्लास कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर व्हिच इनिशियलाइज वेरियस प्रॉपर्टी ठीक है. इन द पास्ट यू वुड नॉर्मली गिव दिस मेथड द सेम नेम एज द क्लास एज इज एन एग्जांपल. अच्छा कंस्ट्रक्टर सिंपल है जब आपने क्लास कॉल किया जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया ठीक है तो आपने अगर कोई वैल्यूज पास करनी है तो आप उस टाइम पे वैल्यूज भी पास कर सकते हैं उस क्लास को. वो सबसे पहले जो मूव होता है वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में जाता है. जो पहले था पीएचपी का जो पहले काम हो रहा था उसमें क्या होता था कि जिस नेम से क्लास होती थी उसी नेम का फंक्शन होता था. जैसे क्लास यूजर की है फंक्शन यूजर का होगा तो वो पैरामीटर ले रहा है वो हमारा कंस्ट्रक्टर हो जाता है. अब हम कंस्ट्रक्टर के नाम से बनाते हैं ठीक है फंक्शन कंस्ट्रक्टर होता है ठीक है. अब हम कंस्ट्रक्टर के नाम से बना रहे होते हैं ठीक है. मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ इसको मैं खत्म करता हूँ जो मैं क्लास बनाई हुई थी मैं उसी को लेके चलूंगा. किस तरह काम करेगा फंक्शन CONSTRUCT कंस्ट्रक्टर ठीक है. कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिया ये मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया ठीक है.
हेलो वर्ल्ड, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इसको मैंने कॉल कहीं भी नहीं किया, सिर्फ आपको बताने के लिए कि सबसे पहले ये कॉल होगा, इसमें इको करवा दिए। लेट मी रिफ्रेश माय कोड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, ये देखें, दिस इज You are using the structure. Let me refresh and get the call in your okay जी, this is user interface, ठीक है। उधर call ही नहीं हुआ, let me check क्या reason है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज मैं करता हूँ। एक ऑब्जेक्ट हमारा बना हुआ है, ठीक है, जो बना हुआ है उसको मैं कुछ नहीं कह रहा। दोबारा ऑब्जेक्ट में दूसरा एक बना रहा हूँ, ओबीजे वन बनाता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओबीजे टू मैं वन बना लेता हूँ, ओबीजे बना हुआ है, ओबीजे टू बनाते हैं, ओबीजे वन, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं दो वेरिएबल पास कर देता हूँ। वेरिएबल क्या पास करता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम ले लिया मैंने। दूसरा मैंने वेरिएबल ले लिया यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड मैंने ले लिया, ओके। यहाँ से मैं जो कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, मैं इसको भेज रहा हूँ माई यूजर नेम, ठीक है, स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ, ठीक है, माई पासवर्ड, ठीक है, मैंने पास कर दिया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब भी जो होगा वो यहाँ पर इसको साइन कर देगा, इस मैंने बताया इस यूजर नेम, इस यूजर नेम आ गया, ये जो यूजर नेम आ रहा है मैं इसको साइन कर देता हूँ, ठीक है, कॉपी किया, इसको मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ। ये इस पासवर्ड है, ये पासवर्ड सेंड कर देते हैं, मैं इको इसको ही करवा देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी क्या मेरे पास ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, लेट्स मी रिफ्रेश। अच्छा जी, वो कंस्ट्रक्टर को कॉल ही नहीं हो रहा, इसको वैल्यू, ये भी एक ऑप्शन होती है कि अगर आपने वैल्यू नहीं साइन करनी और आपका एरर ना आए तो आप इस वे में भी जा रहे होते हैं। ये ऑलरेडी इनके वैल्यू, इसको साइन अगर आएगी तो वो नई वैल्यू ले लेगा, अदरवाइज वो वैल्यू नहीं लेगा। मैं वापस चलता हूँ इधर, ये कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिया वैसे यू एन एस टी आर यू सी टी यू आर कंस्ट्रक्टर, लेट मी सर्च, स्पेल मिस्टेक तो नहीं है। मोमेंट स्पेल मिस्टेक, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट यू एन एस टी आर यू सी टी कंस्ट्रक्ट होगा। लेट मी रिफ्रेश, ठीक है, हेलो वर्ड यू आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पहले जब कॉल हो गया उसने बता दिया कि हम कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, दूसरे में हेलो वर्ड यू आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर माय यूजर नेम भी मेरा जो मैंने प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है। अब सिनेरियो जो है, ये दो मैंने कॉल की हुई है, जो पहले में उसको मैंने वैल्यू कोई नहीं साइन की, इसलिए कोई वैल्यू साइन नहीं हुई, ठीक है। मैंने यहाँ पर मैंने इनके वैसे ही दे दिया भाई को, मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, देन यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। कॉपी किया मैंने, कॉपी करके मैं आपको यहाँ पर ले आता हूँ नोटपैड पे, ताकि ये क्लियर हो आपके लिए। अच्छा, ये क्लास बनी हुई है, ठीक है, ये पता है आपको क्लास बनी हुई है। इसके बाद हमने जो फंक्शन बनाया, ये कंस्ट्रक्टर का फंक्शन बनाया, ठीक
इसका काम क्या है, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज होता है, ये सबसे पहले कॉल होता है, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल कर दिया इसने कॉल हो जाना है, ठीक है। अगर इसके बाद वैल्यू होगी तो असाइन करेगा, मैं इसके में पैरामीटर भी पास कर सकता हूँ, जितने मैं पैरामीटर पास करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। होता है कि क्लास जैसे स्टार्ट होती है कुछ उसके पास वैल्यूज डिफॉल्ट आ जाए, जैसे मैं कहता हूँ यूजर नेम और पासवर्ड आ जाए, तो मैंने इसको यूजर नेम पासवर्ड पास कर दिया। अभी मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू स्ट्रिंग 0 रखी है, अगर तो वैल्यू मैं पास करूंगा तो वो लेगा, अदरवाइज उसके पास ऑलरेडी वैल्यूज है, ये एरर जनरेट नहीं करेगा, दिस इज द रीजन। उसके बाद वैल्यू थी स्टार्ट यूजर नेम, यानी कि ये जो यूजर नेम है इसके अंदर जो ये यूजर नेम आ रहा है ये साइन मैंने कर दिया, ठीक है। इसी तरह दिस आईफन ग्रेटर देन पासवर्ड, ठीक है, मैंने ये जो पासवर्ड है इसको ये साइन कर दिया। इसके बाद मैंने ये को करवा दिया हेलो वर्ल्ड यू आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बाद पब्लिक फंक्शन है यूजर प्रिंट का, इसके ऊपर मैं बाकी कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी हमारी काफी बात हो चुकी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरा ऑब्जेक्ट कॉल हुआ है तो उसने ये कॉल कर दिया हेलो यू आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है, फर्स्ट टाइम उसने ये कॉल कर दिया हेलो यू आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर। और जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, जैसे उसने बताया कि ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या कोई भी वैल्यूज आई नहीं, उसके बाद दोबारा कंस्ट्रक्टर जो बना है, दोबारा कंस्ट्रक्टर में वैल्यू हेलो वर्ल्ड गई है, लेकिन उसके बाद मैंने प्रिंट नहीं करवाया। अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पर, नहीं यहाँ पर मैंने करना है इसको अनकमेंट, मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ आगे इसको चेंज किया मैंने, ठीक है। अच्छा हेलो वर्ल्ड, दिस इज द यूजर प्रिंट क्लास, ठीक है, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है उसने वो कंस्ट्रक्टर की क्लास में ले गया, कंस्ट्रक्टर के फंक्शन में सॉरी ले गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाया, ऑब्जेक्ट में कोई भी वैल्यू नहीं। उसके बाद दोबारा जब मैंने प्रिंट का फंक्शन कॉल किया है तो उसके अंदर वैल्यू आ गई है, यूजर नेम हेलो आया है, पासवर्ड वर्ड आ गए। उसके बाद दोबारा जब मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे टू वन, ओबीजे वन बनाया, ये देखें ओबीजे वन बनाया, ठीक है, इसको मैंने वैल्यू पास कर दी है, इसको मैंने यूजर नेम पास किया है और पासवर्ड पास कर दी है, ठीक है। जब इसको मैंने पास कर दी है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड यू आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर माय यूजर नेम, मैंने वहां पर माय यूजर नेम प्रिंट करवाया था। उसके बाद जब मैंने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया उसके बाद हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद जो वैल्यूज है वो हेलो वर्ल्ड की वैल्यूज ऑलरेडी अवेलेबल है। सो दिस वे वो ऑब्जेक्ट यानी कि हमारे पास काम कर रहा होता है, और उसने ओवरराइड नहीं की उसकी वैल्यू, जो कंस्ट्रक्टर में मैंने वैल्यूज दी है उसने उसको ओवरराइड नहीं किया, उसके पास ऑलरेडी जो वैल्यूज है वो ये आ रही है जो पहले पास की हुई, जो यहाँ पर असाइन की हुई है, ठीक है, ऑब्जेक्ट वन की जो वैल्यूज है। अगर मैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में अभी कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हुई, ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ पर पास शुरू करवाई है, ठीक है, माय यूजर ने पास करवाया, लेकिन उस तरह वो ऑब्जेक्ट में असाइन नहीं हुई। लेट मी चेक, अगर आपको कोई क्वेश्चन, सर प्लीज मूव द मैसेज फ्रॉम स्क्रीन, योर स्क्रीन, ओह सॉरी, ये बाय मिस्टेक मेरे से ओपन हो गया है, सर कैन यू ब्रीफली डिस्क्राइब द पीएचपी क्लासेस कंस्ट्रक्टर स्ट्रक्चर, ठीक है सर प्लीज मूव द मैसेज, श्योर जी। अच्छा जी, कंस्ट्रक्टर स्ट्रक्चर मैं इसको रिमूव करता हूँ, पीएचपी क्लास हम बनाते हैं, ठीक है, क्लास का मकसद मैंने लास्ट टाइम बताया हुआ है, क्यों बनाते हैं, रियूजेबिलिटी ऑफ कोड और अपने कोड को मैनेज करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, ठीक है, और हमें ज्यादा कोड ना करना पड़े, ये कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन है जिससे हम क्लास बनाते हैं, ठीक है। जब हम क्लास बना लेते हैं, जैसे मैंने क्लास बनाई क्लोन का भी मैं गाइड करता हूँ, ठीक है, यूजर की क्लास मैंने बना दी, ये मेरी क्लास बनती है, ठीक है। अब क्लास जैसी बनती है उसके बाद इसको जो एक्सेस करना होता है, ठीक है, क्लास इज जस्ट लाइक अ होम, ठीक है, जैसे कोई घर होता है उसी तरह एक क्लास होती है। आप होम के अंदर एंटर होने के लिए, किसी भी घर में एंटर होने के लिए आपको की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो जो की होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारी की होती है। अगर हम ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास यानी कि चाबी होगी तो हम एंटर हो सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, यूजर क्लास ऑब्जेक्ट, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये नेमिंग कन्वेंशन मैंने ऐसी ली है, ठीक है, न्यू यूजर, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब होता है कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, आपने कंस्ट्रक्टर बनाया हो या ना बनाया, वो डिफॉल्ट बना होता है हर क्लास के अंदर। अगर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया या नहीं बनाया, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना होता है। अब कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है जी, फंक्शन कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर ये जो सिंपल होता है, पहले स्पेल मिस्टेक आ गया था,
इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये सिंपल हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, ये हमारा सिंपल कंस्ट्रक्टर बन गया, ये क्लास है हमारी यूजर की, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर आ गया, कंस्ट्रक्टर आ गया। अब सबसे पहले अगर मैं कुछ भी नहीं करता, मैं कोई भी काम नहीं करता, मैंने सब ये ऑब्जेक्ट का ये कॉल किया ना, ये जैसी लाइन रन होगी ना, ये लाइन, ठीक है, जैसी ये लाइन रन होगी तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जैसे ही ये लाइन हमारी रन होगी तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इसको मैं दोबारा यहाँ पर ले आता हूँ आपके लिए, मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट की होगी ये, क्लास स्टूडेंट की होगी, ठीक है। इसमें फंक्शन CONSTRUCT कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। मैंने और कुछ भी नहीं किया, मैं इसमें इको करता हूँ, हेलो यू आर इन द स्टूडेंट क्लास CONSTRUCT कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये मैंने मैसेज प्रिंट करवा लिया है, एक्सिट में करता हूँ, इनके जो बात का कोड है वो रन ना हो। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट स्टूडेंट मैंने ही बना लिया न्यू। इसके बाद मैं स्टूडेंट सिंपल मैंने एक कॉल कर दिया, मैंने और कुछ भी नहीं किया ना, कोई इसमें वेरिएबल बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है। सिर्फ सिंपल मैंने ये कोड लिखे, ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा कोड है सारा, ठीक है। देखें, हेलो यू आर इन द स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। अभी बाकी काम सारा मैंने बाद में करना है। मैं अगर यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ एसटीडी नेम पब्लिक होगा, ठीक है, नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद ईमेल, एसटीडी ईमेल, एसटीडी जो यूजर नेम एसटीडी रोल नंबर, ठीक है, रोल, ये कुछ मैंने वेरिएबल ले लिए, चार वेरिएबल मैंने ले ली, ठीक है। स्टिल मैं इसको उनके साथ कुछ भी मैं फंक्शन ही परफॉर्म करा, सिर्फ मेरा भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर ये चारों की वैल्यू चली जाए मेरे पास, मैं चारों को वैल्यू दे दूँ। मैं चारों कॉपी करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर वेरिएबल लेता हूँ, सॉरी मैं इसको नेम ले लेता हूँ, नेम ईमेल, उसके बाद होता है जी यूजर नेम रोल, रोल नंबर, ये मैं सारी चीजें यहाँ पर नाम मैं करता हूँ, ये मैंने दे दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हो, ठीक है, ये इसके बाद वैल्यूज आ रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो इनके पास ये वैल्यूज आ रहे हैं, एस टी डी दिस हाइफन ग्रेटर देन साइन, ये आ गया, इसके पास में वैल्यू नेम असाइन कर देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4। ईमेल यूजर नेम रोल नंबर यूजर नेम ईमेल था, ठीक है, इसको ईमेल आना था, ठीक है, इसको मैं ईमेल करता हूँ, किया यहाँ पर मैं ईमेल दे देता हूँ, यूजर नेम है, यहाँ पर मैं यूजर नेम दे देता हूँ, ईमेल ईमेल यूजर नेम, ईमेल यहाँ पर आ गए, जी नेम ईमेल यूजर नेम रोल नंबर, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं इसको साइन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ।
सिनेरियो ये है कि मैं कॉल करता हूँ, दोबारा मैंने कॉल किया, ठीक है यहाँ पर एरर आ रहा है 7 के पर, क्लास PHP 7। अब एरर नहीं होना चाहिए, लेट मी चेक अगेन कि 7 कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, लाइन 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, वो वैल्यूज के पास नहीं आ रही इसलिए वो इसको एरर दे रहे हैं। मैं यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ दोबारा, ये ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1 है, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज पास कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा नेम क्या जी, अली अहमद मेरा नेम है, एक हो गया जी, ईमेल अली @gmail.com ये हो गया जी, यूजर नेम जी अली 123, पासवर्ड या रोल नंबर 123, ठीक है ये मैंने वैल्यू पास कर दी इसको, हो गया। लेट मी रिफ्रेश एंड चेक this start variable std name, you can see sharp online 10 undefined variable email username role number, ठीक है ये undefined variable public मैंने लिया हुआ है, ठीक है undefined variable नहीं होने चाहिए जिसका कीवर्ड यूज किया हुआ है, और ये ठीक है मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब ये जो कोड है ये मैं कॉपी यहां से करके आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ गया, ये जो कोड जो मैंने अभी लिखा था आपके सामने ये मैं दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्टर में मैंने चार वेरिएबल भी पास कर दी हैं, चार वेरिएबल पास कर दी हैं, ठीक है इसको, ये जो मेरे पास ऊपर पब्लिक वेरिएबल थे उनको मैंने दिस हाइफन ग्रेटर देन स्टूडेंट नेम, इसको मैंने ये नेम असाइन कर दिए, इसको मैंने ये ईमेल असाइन कर दिए, ईमेल को यूजर नेम को ये यूजर नेम असाइन करती है, ठीक है पाथ रोल नंबर को मैंने ये रोल नंबर असाइन कर दिया है। सेकेंडली मैंने जब ऑब्जेक्ट 1 बनाया, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1, ठीक है इसको मैंने यहाँ से वैल्यू भी पास कर दी है। अब मैं दो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसके अंदर एक के अंदर वैल्यू पास करूंगा, एक के अंदर वैल्यू पास नहीं करूंगा, ये ऑब्जेक्ट में 1 के अंदर वैल्यू पास नहीं करता, 2 के अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ, ठीक है जी। रिफ्रेश, ठीक है वो दो दफा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, हेलो यू आर, ठीक है मैंने प्रिंट नहीं करवाया इसलिए वो प्रिंट नहीं आ रहा, मैं एक ऑब्जेक्ट के बाद प्रिंट करवाता हूँ, पी का टैग यूज कर लेते हैं इसको, पी का स्टार्टिंग एंडिंग टैग प्रिंट आर, इसके लिए फिर मैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाया वो यूज कर लेते हैं STD1, ठीक है ये मैं इसको ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूँ यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगा, एसटीडी ऑब्जेक्ट STD2, ठीक है ये मेरा जब चेक करने के लिए कि क्या मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, इसको मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है यहाँ पे मेरे पास डाटा नहीं आ रहा, जब दूसरी दफा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसको मैंने वैल्यूज पास किए हैं तो मेरे पास वो ऑब्जेक्ट के अंदर रिजल्ट आ रहा है कि ऑब्जेक्ट में मेरे पास ये वैल्यूज अवेलेबल हैं, ऑलरेडी जो मेरे पास ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज हैं ये मेरे पास अवेलेबल हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि मैं यहाँ पर देखें जो मैंने इक्वल टू का साइन लगाया है इसको रिमूव करता हूँ, इक्वल टू रिमूव करता हूँ, इक्वल टू मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेट मी रिफ्रेश, ठीक है एरर आ गए। एरर आने की रीजन क्या है ये देखें, ये दो स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, ठीक है ये जो स्टेटमेंट है मैं यूज कर रहा हूँ ना, ठीक है इसका मतलब है कि मैं ऑब्जेक्ट को कॉल ही नहीं कर सकता, मैं ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकता अनटिल और अनलेस मैं उनको ये सारी वैल्यूज पास ना करूं, तो मैं ऑब्जेक्ट को कॉल ही तब करूंगा, ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा ही तब जब मैं ये वैल्यूज उन्हें पास करता हूं। ऑन द अदर हैंड ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ये फंक्शन के लिए भी यूज होती है, जब आप फंक्शन में काम कर रहे होते हैं मेथड में काम कर रहे होते हैं ये तब यूज होती है। मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, ईमेल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, यूनिट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, रोल नंबर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, इसका होता है कि अगर हमें वैल्यूज मिल जाती है वैलिड गुड, अदरवाइज हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज हैं, इसको अगर वैसे भी मैं कॉल करता हूं तो एरर जनरेट नहीं कर रहा होता, इसलिए मैं इसको ये टेक्निक यूज करते हैं कि हम इसको एरर ना आए अगर हम उसे वैल्यूज पास नहीं कर रहे, ठीक है मैं इसको दोबारा यहां पर पेश करता हूं।
आदिल कंस्ट्रक्टर हम इसलिए बनाते हैं कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली डिफॉल्ट बन रहा होता है। अगर हमने कुछ स्टार्टिंग के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर दी हो, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को कॉल करें, जैसे मैं कहता हूँ जैसे ही मेरा क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होना है तो मेरे पास जो है ना डेटाबेस का सारी क्यूरीज आ रही है, मेरे पास डेटाबेस का ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, डेटाबेस के जो मैंने एक्सेस करना है उसका ऑब्जेक्ट आ जाए, तो मैं जैसे ही क्लास कॉल होती है तो मैं ऑब्जेक्ट को पास कर देता हूँ डेटाबेस को, ठीक है, यूजिंग डैट, फिर मैं वो आगे फर्दर जो क्यूरीज होती है वो चलाना शुरू कर देता हूँ। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल के हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है। डिस्ट्रक्टर होता है, डिस्ट्रक्टर में एंड के पर हम जो जितना भी काम हो गया होता है फिर हम डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। हमारे पास डिस्ट्रक्टर का फायदा होता है कि जो कोड होता है कैशे में वो खत्म हो जाता है, मीन वो ईज कर देता है उसको। ये PHP 5 डिस्ट्रक्टर है। अलो इन न्यू इन PHP 5 इज द एबिलिटी टू क्रिएट डिस्ट्रक्टर मेथड। दिस एबिलिटी इज यूजफुल व्हेन कोड हैज मेड द लास्ट रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ठीक है और व्हेन अ स्क्रिप्ट रिमेंबर्स टू एंड ठीक है रीच टू एंड। एग्जांपल शो हाउ टू क्रिएट अ डिस्ट्रक्टर मेथड ठीक है, ये यानी कि जो मैंने सारा कोड कर दिया जो रेफरेंस है वो पास कर दिया, जो मैंने काम करना था वो कर लिया, उसके बाद मैं डिस्ट्रक्टर पास कर देता हूँ, यानी कि जो भी कोड है वो क्लोज हो जाए, इनके क्लास मेरी क्लोज हो जाए, उसके बाद मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़े। आदिल काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा, इज इट फाइन? अच्छा जी सर, प्लीज ओके सर, PHP कंस्ट्रक्टर आसिम जी बेसिकली कंस्ट्रक्टर वो भी है। ओके जी सर, कंस्ट्रक्टर को जो वेरिएबल पास किए हैं उनको कंस्ट्रक्टर से बाहर पब्लिक रखना जरूरी है। अच्छा इट्स अप टू यू, अगर आप इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर आप वहां भी कर सकते हैं, बट व्हाट इफ वी डोंट डिक्लेयर वेरिएबल्स आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर एंड पास देम इन द कंस्ट्रक्टर, हम इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, टेस्टिंग वेरिएबल, यहां से एक कोड वैल्यू पास कर लेते हैं। इसका ये शो होगा कि इसको अगर बाद में मैंने यूज करनी है तो फिर मैं कैसे यूज करूंगा, अभी तो मैं अगर कंस्ट्रक्टर में कॉल कर रहा हूँ ठीक है, तो फिर तो ये उसी की ये इसी का वेरिएबल होगा ना, ये कंस्ट्रक्टर का वेरिएबल होगा ठीक है। मैं इधर ले रहा हूँ इसको, मैं टेस्टिंग को यहाँ पर मैं साइन कर देता हूँ, हम हेलो वर्ल्ड ले लेते हैं, लेट्स सी क्या हेलो वर्ल्ड, ठीक है मैंने टेस्टिंग वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर किया, लेट मी रिफ्रेश, ठीक है मैंने वेरिएबल ले लिया, अगर मैं यहाँ पे इसको इको करूंगा तो वो इको भी हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, बट अगर मैं इसको बाहर एक्सेस करना चाहता हूँ फिर उसके लिए आ जाएगा कि आपका स्कोप के आप किस तरह काम करना चाह रहे हो तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसको, ठीक है निशान सर का सेक्टर आर ओके नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन पब्लिक वेरिएबल एंड नॉर्मल वेरिएबल। अच्छा इसके आगे ना मैं इसका वैसे पब्लिक होता है एक प्राइवेट होता है एक होता है प्रोटेक्टेड होता है, जब आप क्लासेस में काम कर रहे होते हैं एक पब्लिक होता है एक प्राइवेट होता है एक प्रोटेक्टेड होता है, ये तीन तरह के कॉन्सेप्ट है, ये आगे जाके मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ ठीक है। अच्छा एग्जैक्टिंग मेथड एज यू सीन एज यू हैव सीन ठीक है, डिक्लेयरिंग अ मेथड इज सिमिलर टू डिक्लेयरिंग अ फंक्शन बट देयर आर फ्यू डिफरेंस, फॉर एग्जांपल मेथड नेम बिगनिंग विद अ डबल अंडरस्कोर आर रिजर्व्ड एंड यू शुड नॉट क्रिएट एनी ऑफ दिस फॉर्म, ओके ठीक है, यू आल्सो हैव एक्सेस टू स्पेशल वेरिएबल कॉल्ड दिस ठीक है व्हेन व्हिच कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द करंट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज ठीक है, टू सी हाउ इट वर्क्स ठीक है टू टेक अ लुक टू एग्जांपल व्हिच, ओके जी हम एग्जांपल को देख लेते हैं। अच्छा जी मैंने बताया कि दिस का जो ऑब्जेक्ट है करंट, दिस का जो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं ठीक है करंट क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है ठीक है, करंट क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए हम इसे यूज कर रहे होते हैं। अब सिनेरियो आ जाता है, निशान कहली कंफर्म कीजिएगा मुझे सर, क्लास में वेरिएबल की वैल्यूज चेंज करने के लिए लूप कैसे लगेगी, वेरिएबल की वैल्यूज चेंज करने के लिए लूप हमने क्यों लगानी है, बाय द वे इधर हम एक फंक्शन बना के ऊपर लूप लगा देंगे कोई ऐसी बात नहीं है, सारा काम हो जाता है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये जो मैंने अभी वेरिएबल लिया था ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से टेस्ट को भी रिमूव करता हूँ, इसको हेलो वर्ल्ड को मैंने रिमूव किया ठीक है, मैं वापस आ गया पासवर्ड ठीक
अब हम ना क्या करते हैं, हम गेट सेट बना लेते हैं। गेट सेट के मेथड, गेट सेट के मेथड क्या कर रहे होते हैं, गेट सेट के मेथड कर रहे होते हैं एक प्रॉपर्टी गेट करने के लिए, दूसरा सेट करने के लिए। ठीक है, मैं अगर पब्लिक बात करूं, पब्लिक बनाने हैं डिफॉल्ट पब्लिक ही बन रहे होते हैं फंक्शन। गेट मैं कहता हूं, गेट मैंने क्या चाहिए, गेट यूजर नेम, सेट यूजर नेम। गेट सेट के आपने पहले भी सुना होगा, गेट यूजर नेम, सेट यूजर नेम। सेट के ऊपर हम एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, और गेट के अंदर हम रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न क्या करवाएंगे, आर ई टी यू आर रिटर्न पीस। ठीक है, मैं इधर टारगेट किसको करूंगा, मैं टारगेट करूंगा यूजर नेम को। ठीक है, यूजर नेम हमारा किधर है जी, एस सी डी यूजर नेम। ठीक है, जो बड़ा सिंपल सिनेरियो होता है, मैं ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं इनको मैं सबको रिमूव करता हूँ। ठीक है, मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। कॉपी मैंने किया, इसको जो यूजर नेम आ रहा है मैं ये साइन कर दूंगा। ये मैंने एक गेट का फंक्शन बना दिया, एक मैंने सेट का फंक्शन बना दिया। मैं यहाँ से नोट पैड पे जाता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये मैं यहाँ ही बना बता देता हूँ। ये दो फंक्शन बनाए हैं, एक गेट यूजर नेम फंक्शन, गेट यूजर नेम, एक सेट यूजर नेम। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, वैल्यू सेट करेगा। इसके अंदर मैं कोई भी कंडीशन पुट कर सकता हूँ कि मुझे यूजर नेम कैसे का होना चाहिए, यूजर नेम में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर करेक्टर कौन से होने चाहिए, जो भी मैंने कंडीशन पुट करनी है मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ये जो फंक्शन है इसके थ्रू मैं अपना जो यूजर नेम है वो वापस ले सकता हूँ। वो किस तरह ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल करते हैं हम। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी के ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइफन ग्रेटर देन साइन। ठीक है, जो मेरा सेट यूजर नेम है इसको मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये सेट कर दिया है, मैं यहाँ पर वैल्यू पास कर रहा हूँ अली 246। ठीक है, ये मैंने इसको यूजर नेम पास कर दिया, लेट मी रिफ्रेश। ठीक है, एक्सिट आ रहा है 36 के ऊपर, ये मैंने कर दिया रिफ्रेश किया। ठीक है, ये मेरे पास उसने बता दिया कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ये आ रहा है। ठीक है, हमने स्टूडेंट वन का अपडेट बना दिया, ठीक है, उसे मैंने कॉल कर लिया। उसके बाद अब आगे चलते हैं, ओबीजे वन। अब मैं सेट हो गया, ठीक है, गेट यूजर नेम कर लेता हूँ। स्पीक को करवा देता हूँ, इसको मैंने करवा दिया जी, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है, जो मैंने सेट की थी वो मेरे पास आ गई है। अब गेट सेट होता है कि हम डाटा हमारा जो सिक्योर ट्रेवल करे उसके लिए हम गेट सेट बना रहे होते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम गेट के थ्रू वैल्यू गेट कर रहे होते हैं और सेट के थ्रू हम वैल्यू सेट कर रहे होते हैं। सो ये दोनों मेथड हमारे यूज हो रहे होते हैं। अगर मैंने यूजर नेम पासवर्ड ईमेल लेना है तो मैं उसके लिए गेट सेट मेथड बना के अपना काम इजीली चला सकता हूँ। आगे चलते हैं, गेट सेट के फंक्शन ये इनके हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, गेट पासवर्ड यूज द दिस वेरिएबल टू एक्सेस द करंट ये हमारा हो गया। ठीक है, स्टैटिक मेथड इन पीएचपी 5। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अब स्टैटिक मेथड भी होता है, स्टैटिक फंक्शन। ये क्या कर रहा होता है, इफ यू आर यूजिंग पीएचपी 5 यू कैन आल्सो डिफाइन अ मेथड एज स्टैटिक। ठीक है, व्हिच मींस दैट इट इज कॉल्ड ऑन अ क्लास नॉट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अ स्टैटिक मेथड हैज नो एक्सेस टू एनी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड इज कॉल्ड एक्सेस इज एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा, इसकी जो कॉल करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। ठीक है, इसकी कोई प्रॉपर्टी उस तरह नहीं होती जिस तरह हमारी दूसरी पब्लिक या प्रोटेक्ट फंक्शन की या प्राइवेट फंक्शन की होती है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, मैं इसको इतना डीप नहीं जाऊंगा, ठीक है, सिर्फ इसकी मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। हमने स्टैटिक वैसे वेरिएबल पहले पढ़े थे, अब स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करना है या स्टैटिक मेथड को आपने कॉल करना है या फंक्शन मेथड को कॉल करना है। ठीक है, तो आपने यूजिंग दिस वे करना है,
यूजर ठीक है, डबल कॉलन उसका नाम, फंक्शन को इस तरह कॉल करना है। इसी तरह अगर आपने कोई प्रॉपर्टी कॉल करनी है, यूजर डबल कॉलन पी आर ओ पी वेरिएबल, यार इधर आता हूँ, वेरिएबल नहीं ठीक है, ये इस तरह कॉल होगा, वेरिएबल भी इस तरह कॉल हो रहा होगा, स्टैटिक फंक्शन भी इस तरह कॉल हो रहा होगा, डिक्लेयरिंग प्रॉपर्टीज ठीक है। इट इज नेसेसरी टू एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर प्रॉपर्टीज विद इन अ क्लास एज दे कैन बी एम्प्लिसिटली डिफाइंड में फर्स्ट यूज ठीक है। टू इलस्ट्रेट दिस इन एग्जांपल, व्हेन द क्लास यूजर हैज नो प्रॉपर्टी एंड नो मेथड बट इट्स लीगल कोड ठीक है। अच्छा जी एग्जांपल दे रहा है कि हमने जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी होती है वो विद इन क्लास करनी होती है। अभी अगर हम कोई भी चीज डिक्लेयर नहीं करते क्लास में, फिर भी वो एक कोड, ऐसा नहीं कि कोड नहीं है, अगर मैं क्लास बना लेता हूँ तो वो मेरा एक वो कोड होता है ठीक है। माई मीन टू से कोड से मुराद क्या है कि वो लीगल कोड है, हम उसे यूज कर सकते हैं। दिस कोड कंटेंट आउटपुट द स्ट्रिंग एलेक्स विदाउट अ प्रॉब्लम बिकॉज पीएचपी इंप्लिसिट डिक्लेयर द वेरिएबल ऑब्जेक्ट नेम फॉर यू, बट दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग कैन लीड थ्रू बग्स डेटा इन डिफिकल्ट टू डिस्कवर बिकॉज नेम वॉज डिक्लेयर फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अच्छा जी दूसरा स्नैरियो ये है कि ठीक है हमने कोड लिखा, लेकिन उसके बाद भी मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, मैं अगर ये लेता हूँ ठीक है, ये मेरा लीगल कोड है। अगर मैं ये देखें यूजर की क्लास लेता हूँ, ये मेरा लीगल कोड है। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉपी जी इक्वल टू न्यू यूजर, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं करता हूँ ओबीजे नेम इक्वल टू अली ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इको इको करवाता हूँ ओबीजे हाइफन ग्रेटर देन साइन नेम ठीक है, तो मेरे पास प्रिंट अली होगा ठीक है। वो किस तरह होगा कि वो इसी क्लास का वेरिएबल होगा, बट इसमें इशू ये आता है कि लॉन्ग टर्न के ऊपर, लॉन्ग रन के ऊपर अगर आप इस तरह काम कर रहे होते हैं तो आपको एरर आ रहे होते हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता एरर कैसे फिक्स होना है, उसको कैच करना मुश्किल हो जाता है। सो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करें, जो क्लास है उसी में आप एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करें ताकि उसी को लेके चल सकें। अगर कोई बग भी आता है तो आपको फिगर आउट करना ईजी हो, आपको पता हो कि कहाँ से ये बग आने के चांसेस और ये कहाँ बग आया है जिसको हमने कैश टैकल करना है और किस तरह इसको आगे लेके जाना है। अच्छा जी आगे चलें जी, व्हेन यू डिक्लेयर प्रॉपर्टी विद इन अ क्लास यू है यू मे असाइन अ डिफॉल्ट वैल्यू ठीक है, द वैल्यू यू मस्ट बी कंस्टेंट एंड नॉट रिजल्ट फॉर अ फंक्शन और एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस शो अ फ्यू वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट्स ठीक है, पब्लिक नेम ठीक है, वैलिड है, वैलिड है, इनवैलिड। अच्छा जी जब आप वैल्यू से असाइन कर रहे होते हैं क्लास में ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आपने क्लास बनाई ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के, ये कंस्ट्रक्टर से पहले कह लें या फिर वैसे आप क्लास के फोन बाद जो वैल्यू डिक्लेयर कर रहे होते हैं, यहाँ पर आप क्या वैल्यू दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते ठीक है। यहाँ पर उसने कुछ एग्जांपल दी हुई है कि पब्लिक नेम अगर आपने देना है तो आप ये इस तरह पब्लिक, मैं कहता हूँ नेम देना है, स्मिथ दे सकते हैं ठीक है, फिर से वैलिड ठीक है, ये आप दे सकते हैं, ये वैलिड है। इसको अगर मैं रन करूँ कोई एरर तो नहीं दे रहा मुझे ठीक है, ये वो स्मिथ की वैल्यू आ रही है ठीक है, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको वैल्यू भी साइन कर दी, इट्स फाइन ठीक है। इसके बाद मैं कहता हूँ पब्लिक, पब्लिक में कहता हूँ, पब्लिक में कहता हूँ नंबर, कहता हूँ 1 2 3 ठीक है, ये भी वैलिड है, इसके अंदर भी और इशू नहीं होगा ठीक है। मैं पब्लिक में कहता हूँ ये भी LIC पब्लिक, मैं कोई फंक्शन कॉल करता हूँ ठीक है, मैं ले लेता हूँ वेरिएबल ए बी मेरा वेरिएबल है ठीक है, मैं यहाँ पर कोई फंक्शन कॉल करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ मैं टाइम का फंक्शन कॉल कर लेता हूँ ठीक है, ये अब एरर देगा, ये अब मुझे एरर जनरेट करेगा। दूसरी ऑप्शन से बताइए कि और कौन सा एरर जनरेट करेगा, अगर मैं यहाँ पर कोई कैलकुलेशन करता हूँ, मैं 23 × 4 ये भी मेरे लिए एरर जनरेट करेगा। मैं किसी वेरिएबल के साथ, मैं कहता हूँ लेवल का मेरे पास वेरिएबल है, मैं उसके साथ कॉल कर लेता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, लेट मी जी रन द कोड ठीक है, वो मुझे एरर दे रहे ठीक है 13 लाइन के ऊपर, वापिस चलते हैं रिफ्रेश ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मैं इसको टाइम वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ ठीक है, वो एरर दे दिया ठीक है। इसी तरह अगर मैं किसी वेरिएबल के साथ यहाँ पर कहूँ मल्टीप्लाई हो जाए, मैं कहता हूँ कोई कैलकुलेशन होती थी मेरे पास नंबर ठीक है,
मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, वो 12 के ऊपर एरर्स देता रहेगा। मैं इसको अगर 12 को क्लोज करता हूँ, ठीक है, ठीक, फिर भी वो 13 पे एरर दे रहा है। अगर मैं इसी नंबर को लेता हूँ, ठीक है, वो फिर भी एरर दे रहा है। ये कुछ लाइंस है जिसके ऊपर एरर देगा और नहीं देगा। अगर जैसे ये क्लास है, यूजर की क्लास है, मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, पब्लिक नेम, ये वैलिड है, इसमें कोई मसला नहीं। यानी कि आप एक नेम लें, एक वेरिएबल लें, पब्लिक लें या प्राइवेट लें, उसको आप वैल्यू साइन करें, वो कोई इशू नहीं। आप उसे वैल्यू साइन करें, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह मैं नंबर लेता हूँ, यानी कि इंटीजर लेता हूँ, फ्लोट लेता हूँ, वो भी कोई एरर जनरेट ही करेगा। उसके बाद आगे जो मसला आता है कि अगर आपने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, उसे फंक्शन पे कॉल करते हैं तो फिर एरर आता है, वो एक वैलिड आर्गुमेंट नहीं है। सेम इसी तरह अगर आप एक नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं या कोई यहाँ पर सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का मल्टीप्लिकेशन या कोई डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर वो एरर आ रहा होता है। सो ये जो दोनों काम है, ये आप फंक्शन के अंदर किसी भी फंक्शन या मेथड, किसी भी मेथड के अंदर जाके ये कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लूप चला सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, कुछ भी करना है आप वो कर सकते हैं। लेकिन वो आप किसी मेथड को, कोई आप मेथड बनाएंगे, उसमें जाके ये काम आप करेंगे, अदरवाइज वो एरर जनरेट करेगा, ठीक है। डिक्लेयरिंग कंस्ट्रक्ट, ठीक है, कंस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट्स, ठीक है, इन द सेम वे दैट यू कैन डिक्लेयर अ ग्लोबल कंस्टेंट विद द डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, यू कैन डिफाइन कंस्ट्रक्ट इनसाइड क्लासेस। द जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज टू यूज अंडरस्कोर लेटर टू मेक देम स्टैंड आउट, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है कि कंस्टेंट आपने कैसे कॉल करने हैं, ठीक है, डिफाइनिंग अ कंस्टेंट विद इन अ क्लास, ठीक है, क्लास उसने ट्रांसलेट की दी है, कंस्टेंट बनाया हुआ है और स्टैटिक फंक्शन बनाया हुआ है। मैं इसको कॉपी करके आपको ये दिखा देता हूँ, ये बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप कोड कर रहे हैं, किस तरह कोड कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं किसी भी फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं या कोड पीएचपी में काम कर रहे हैं या आपने अपना एमवीसी बनाया हुआ है उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उसके लिए होता है कि अगर आपने वेबसाइट को मल्टी ट्रांसलेटर बनाना है, ठीक है, मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बनाना है, तो ये एक मेथड यूज हो रहा होता है। यहाँ पर कंस्टेंट उसने लिया हुआ, कंस्टेंट इंग्लिश लिया है, स्पेनिश लिया है, फ्रेंच लिया है, जर्मन लिया है। इसी तरह उसने एक फंक्शन बनाया, स्टैटिक फंक्शन, ठीक है, उसके अंदर उसने इको सेल्फ, यानी कि अगर कंस्टेंट वेरिएबल को आपने कॉल करना है तो सेल्फ के कीवर्ड के साथ करना है, ठीक है, सेल्फ उसके साथ डबल कॉलन दे दिए, उसने स्पेनिश दे दिया, जो आपका कीवर्ड है वो स्पेनिश दे दिए। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो मेरे पास ये क्या आएगा, स्पेनिश में क्या जी, स्पेनिश में 1 है। हम इसको कॉल कर ही लेते हैं, एडिट, लेट मी सेव एंड गो टू द, ठीक है, ये 1 मेरे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है, 1 क्यों आ रही है जी, क्योंकि स्पेनिश के अंदर 1 वेरिएबल है, ठीक है, अभी चेंज नहीं हो रहा होता वेरिएबल, हम इसे चेंज नहीं करते। ये अगर ये जो एग्जांपल आपके सामने शो हो रही है, अगर मैंने मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बनानी है तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अगर कोई डिफॉल्ट होगा तो वो 0 होगी, वो इंग्लिश में शो हो रही होगी, उसके बाद ऊपर तो छोटा सा ड्रॉप डाउन लग जाता है, उसके थ्रू ये लैंग्वेज चेंज हो रही होती है, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, जो भी आपने करना है। अगर आपने एक और ऐड करना है, आप कहते हैं आपने उर्दू भी ऐड करना है, ठीक है, आप ये ले लें, तो आप कहते हैं अरबी ऐड करना है, इस तरह आप ये काम कर सकते हैं। ये कुछ स्पेल मेरे से मिस्टेक हो रही है, ठीक है, इनके आप यहाँ पर कोई और लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं, गो थ्रू। नेक्स्ट चलते हैं हम जी, डिक्लेयरिंग कंस्टेंट है, ठीक है, कंस्टेंट हम कैसे डिक्लेयर कर रहे होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर गाइड किया है। कंस्टेंट सिंपल कंस्टेंट के कीवर्ड के साथ आप यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ जब उसको कॉल करना है तो सेल्फ स्पेनिश के सेल्फ उसके साथ जो वेरिएबल का नाम है वो कॉल कर देंगे। रेफरेंस कंसेंट डायरेक्टली, ठीक है जी, प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी एंड मेथड स्कोप, ठीक है, ये जो बात अभी थोड़ी देर पहले आदिल आप पूछ रहे थे, ये उस हवाले से मैंने बताया था, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट किस तरह काम कर रहे होते हैं। पब्लिक है, वो अवेलेबल है, विद इन क्लास भी आपने इसको डिक्लेयर किया, आपको विद इन क्लास कहीं भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। पब्लिक मेथड को आप विद इन क्लास कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। दीज प्रॉपर्टीज आर द डिफॉल्ट using as a var or variable public, ठीक है, कीवर्ड आप इसे as a var यानी कि var declare करोगे या public कीवर्ड declare करोगे। और when a variable is implicitly declared the first time is used, ठीक है, the keyword for var and public are interchangeable because although deprecated variable is retained for compatibility with the previous version of PHP method are assumed to be public by default.
जो फंक्शन मेथड होते हैं वो डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। जब आप प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर रहे हैं ठीक है, उसे आप उसके साथ पब्लिक लगा सकते हैं, प्रोटेक्टेड लगा सकते हैं, प्राइवेट। मैंने पब्लिक का पहले बताया, जो पब्लिक का मैं यहाँ पर वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, ये जो पब्लिक के वेरिएबल है ठीक है, ये मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको कंस्ट्रक्ट में यूज किया ठीक है, इसको मैंने इस फंक्शन में यूज कर लिया ठीक है, पब्लिकली मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इवन डैट मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया तब भी मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। ऑन द अदर हैंड अगर मैंने फंक्शन में डिक्लेयर करता हूँ प्राइवेट ठीक है, तो फिर मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता, फिर उसको विद इन क्लास ही मैं एक्सेस करूंगा। इसी तरह प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड होता है कि आप जो रेफरेंस क्लास होगी उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद यूज नहीं कर सकते। और प्राइवेट का होता है कि सिर्फ जिस क्लास में आपने डिक्लेयर किया उसी क्लास में यूज करना है। इवन डैट उसको आप जिसके साथ इनहेरिट किया क्लास के साथ, उसके साथ भी यूज नहीं करना, विद इनहेरिटेड क्लास में भी यूज नहीं करना प्राइवेट नहीं ठीक है। लेकिन प्रोटेक्टेड और पब्लिक जो होता है वो इन हेड क्लास में यूज हो जाता है, जिसे आप सुपर जिसे आप कहते हैं सब क्लास कहते हैं ठीक है, सब क्लास कहते हैं, चाइल्ड क्लास कहते हैं, उन दोनों में आपका पब्लिक और प्रोटेक्टेड यूज हो जाता है ठीक है, प्राइवेट यूज नहीं होता। जो प्रोटेक्टेड है वो सिर्फ इन हेड क्लास में यूज होता है, उसके बाद यूज नहीं होता। जो पब्लिक है वो बाद में भी यूज हो रहा होता है ठीक है। ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज कर रहे हैं, इसकी आगे जाके हम एग्जांपल भी देंगे ठीक है। हियर हाउ टू डिसाइड व्हेन यू नीड टू यूज यूज पब्लिक विद आउटसाइड द क्लास, में यहाँ पर तीन वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ठीक है, पब्लिक प्रोटेक्टेड, तो उसको वन बाय वन हम यूज करना सीखते हैं। क्लास ले लेते हैं हम, क्लास हम ले लें, सर्कल की मैं क्लास ले लेता हूँ, मैंने क्लास ली, फिर वन हो गया वेरिएबल ठीक है, पब्लिक मैंने पब्लिक ले लिया। वेरिएबल टू हो गया, वेरिएबल थ्री हो गया, इसको मैं पब्लिक की बजाय मैं प्रोटेक्टेड कर लेता हूँ, PRI VAT प्राइवेट, PRI VAT प्राइवेट ठीक है, इंपोर्ट प्राइवेट हो गए, तीन वेरिएबल मेरे हो गए ठीक है। बना लेते हैं प्रिंट वैल्यू, अब मैंने फंक्शन बना लिया, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दिस वर वन ठीक है जी, टू हो गया, थ्री हो गया ठीक है, ये थ्री हो गया, वन G2, G3 ठीक है, ये तीनों में वेरिएबल यानी कि प्रिंट वैल्यू में कर दी, इतना मैंने भी काम किया। इक्वल टू V1 कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, ये मैंने इतना सा काम किया, इसको प्रिंट शीट निकला है, ऑफिस आ जाते हैं ठीक है। यूज टू प्रोटेक्टेड व्हेन आउटसाइड कोड शुड नॉट एक्सेस दिस मेंबर बट एग्जिस्टिंग क्लासेस शुड इनहेरिट ठीक है, यूज प्राइवेट व्हेन आउटसाइड कोड शुड नॉट एक्सेस दिस मेंबर एंड एक्सटेंडिंग क्लासेस ठीक है, ये हमने बना लिया ठीक है। आगे इसके मेथड होंगे, मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ओबीजे पीछे मैंने बना लिया, इक्वल टू न्यू सर्कल ठीक है, सर्कल बना लिया ठीक है, सिंपल ये हो गया। अब जी मैं ओबीजे पहले करता हूँ, सबसे पहले कॉल करते हैं और कुछ भी नहीं करते इसको ठीक है, कुछ भी वैल्यू मेरे पास प्रिंट नहीं हुई, एरर भी नहीं आया, मैं ओबीजे वन ओबीजे पे जाता हूँ, ओबीजे मैंने दिया, क्या वैल्यू देता हूँ इसको, मैं ओबीजे वन को मैं वैल्यू दे रहा हूँ, यहाँ से वेरिएबल करना है, ये वेरिएबल वन आ गया इज इक्वल टू हेलो, अभी ये वन
ठीक है, उसकी हेलो आ रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं ओबीजे टू को और ओबीजे थ्री को कॉल करता हूँ। अच्छा जी, ओबीजे टू को मैं कॉल करता हूँ, ओबीजे थ्री को मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, हेलो वन हो गया, ठीक है हेलो टू हो गया। हाँ थ्री हो गया, ठीक है हेलो वन टू थ्री हो गया। अच्छा जी, एरर कहाँ पर वो दे रहा है, वेरिएबल थ्री के पर। ठीक है, फेटल एरर एंड कास्ट, ठीक है प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। वो कहाँ पर है जी, ऑब्जेक्ट थ्री, ऑब्जेक्ट पहले टू करता हूँ फिर ऑब्जेक्ट थ्री पे जाते हैं। ठीक है, अब वो कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी सर्कल, ये वो टू को एक्सेस नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, कि वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, प्रोटेक्टेड को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो विद इन जो इनहेरिट क्लास होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक क्लास इनहेरिट कर देता हूँ तो उससे एक्सेस कर सकता है, लेकिन वो बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको उधर से एक्सेस नहीं होगी। सो दिस इज द रीजन, हम जब काम कर रहे होते हैं ये होता है कि हमने अगर एक पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है कि हमने डेटा स्टोर करना है, किस वेरिएबल को क्लास के बाहर डिक्लेयर करना है, किस वेरिएबल को एक्सेस देनी है कि वो क्लास के बाहर से एक्सेस हो सके, किसको नहीं हो सके, क्या डाटा हमारे पास ज्यादा स्टोर है, उसके मुताबिक हम ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं। बस इनका कॉन्सेप्ट ये है कि जो पब्लिक है वो पूरी क्लास में, उसको क्लास के बाहर भी आप एक्सेस कर रहे होते हैं, जो प्रोटेक्टेड होता है वो विद इन क्लास होता है, और दूसरा उसको जिस क्लास के साथ इनहेरिट किया होता है उसके साथ में वो यूज हो रहा होता है, जो प्राइवेट है वो सिर्फ जिस क्लास में डिक्लेयर किया उसी क्लास में उसे यूज कर रहे होते हैं। स्टैटिक एंड प्रॉपर्टी एंड मेथड, ठीक है इसको हम इनहेरिटेंस को कल देखेंगे। ठीक है, इनहेरिटेंस के ऊपर इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे, तो उसको फिर आगे से गो थ्रू करेंगे। अब जो अभी क्वेश्चन है वो मैं लेता हूँ। सर, क्लास में वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने के लिए लूप कैसे, बिल्कुल लग सकती है, मैं कोई भी फंक्शन बना के यहाँ लूप लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ सर्कल में, फंक्शन FUNCTIONO, फंक्शन हो गया, मैं कहता हूँ एफ यू एन लूप। ठीक है, मैं लूप का फंक्शन बना देता हूँ, एक अपनी मर्जी से मैं नाम दे रहा हूँ कोई भी, सिर्फ ये मैं इसको कहता हूँ मैं एक अरे पास करूंगा। डिफॉल्ट फंक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो प्राइवेट पब्लिक बन रहा है। ठीक है, जो डिफॉल्ट इसका फंक्शन बन रहा है वो पब्लिक बन रहा है। यहाँ पर मैं फॉर लूप लगा देता हूँ, ठीक है आई इज इक्वल टू जीरो, आई जी ओ यू एन टी काउंट, ये जो है इसको सेम वो जो कोड मैंने किया हुआ था मैं इधर लाके पेस्ट कर दूंगा, तो वो मेरा काम चल पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसी चेंज की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल ये हमारा काम चल पड़ेगा। इसको बाद में मैं यहाँ से फन ये जो है कॉल कर दूंगा, सिर्फ सिंपल इसको ओबीजे ओबीजे हाइफन ग्रेटर देन फंक्शन नेम। ठीक है, यहाँ पर मैं एक अरे डिक्लेयर कर दूंगा, ए आर वन इक्वल टू ए डबल आर ए वाई। ठीक है, ये आ जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है ये सिक्स हो गया। ये मैंने एक छोटी सी एरे बना दी है। ठीक है, ये मैंने एरे बनाई है, इसी को मैं यहाँ से कॉल कर लेता हूँ, इसी को मैं कॉल करूंगा वो उधर मेरा, यानी कि वो काम जो मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ इको करवाते जाओ, बस इको को यहाँ पर आई आ जाता है, कॉपी किया मैंने। यहाँ पर बी आर आके लाइन ब्रेक का मैं यूज कर रहा हूँ, परफेक्ट हो गया है। इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, दूसरी तरफ भी मैं इको करवा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों तरफ से इको हो गया, सेव किया मैंने, मैं इसे कॉल कर देता हूँ। ये वन टू थ्री फोर फाइव जो मैंने अरे पास किया वो, अब अगर अरे रन हो रही है इसका मतलब है इसके अंदर मैं कुछ चेंज भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। सही सर, अगर हम वेरिएबल की वैल्यूज गेट सेट के थ्रू असाइन
करवा रहे होते हैं तो फिर कंस्ट्रक्टर के थ्रू असाइन करवाना लाजमी है? नहीं, कोई लाजमी नहीं है। कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हो रहा होता है, ये आपके अपने टेक्निक्स के ऊपर है, आपके अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपने किस तरह ये काम करना है। ठीक है, गैटसेट का अलहदा से काम है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर जी, मैं स्लाइड आपका आंसर दे रहा था सर। ये स्लाइड्स हम किस लिंक पे हासिल कर सकते हैं? मैंने इसका बताया कि आप WC स्कूल पे जाएं तो आपको इसके ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो क्वेश्चन, कोई भी आपका क्वेश्चन क्यूरी है तो काइंडली मुझे पूछें, ठीक है। आप में से जो लाइव आना चाहते हैं काइंडली आप लाइव आएँ, वी कैन टॉक। निशान, आप अवेलेबल हैं? कैन यू कम लाइव? जान, आप अवेलेबल हैं? काइंडली मुझे बताइएगा। यस, आप आ सकते हैं। उस्मान, आप भी आ सकते हैं, आप आए लाइव। जान, आप अवेलेबल हैं? इफ यस, काइंडली कम लाइव, हम थोड़ी सी अफर के पर बात कर लेंगे। ओके, आज लाइव फिर हम थोड़ी सी अफर के पर भी बात करते हैं कि अफर के पर प्रपोजल कैसे होना चाहिए, किस तरह इस तरह के पर काम होना चाहिए। आप भी अपने थॉट शेयर कीजिएगा। फैशन में आपको ऐड करने लगा। अच्छा, आप में से कोई भी लाइव आना चाहता है काइंडली लाइव आ जाए, हम जिनके लाइव बात कर सकते हैं। हाँ जान, आप ट्राई करें, मैं वेट करता हूँ। अच्छा आदिल शोर, आप मुझे लिंक सेंड करें, आप लाइव आ जाए चाहे, या मुझे लिंक सेंड कर दें, मैं आपकी गीत को चेक कर लेता हूँ। फैसल उस्मान, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता है, ठीक है, इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू लिसन यू। बहुत आहिस्ता आ रही है, आ रही है लेकिन बहुत आहिस्ता आ रही है। जी आप बताओ। आप एनी डेस्क का सेंड करो लिंक, मैं देख लेता हूँ यार।
आप मुझे कहाँ सेंड करने लगे हो, मुझे आप ये सेंड कर दो। कहाँ सेंड करोगे मुझे, यहाँ पर प्राइवेट चैट में सेंड कर दो या फिर मैसेज करने लगे हो। आदिल आप सेंड कर दें अपनी गिग, जो भी है आपने गिग, इनके गिग दिखाना चाह रहे हैं आप सेंड कर दें। काइंडली ये जो है एक सामने ओके अच्छा, अभी ना आप मुझे रिस्पॉन्स करोगे वो चैट में कर देना, मैंने वॉइस अपनी म्यूट की। ये आप बता रहे हो ये वेबसाइट है उसकी जिसके थ्रू आपने सोशल पोस्ट को सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है। उसने आपको इसका यूजर पासवर्ड दिया है जी? मुझे आसमान बताएं कि उसने यूजर ने पासवर्ड दिया आपको अपने लॉक का, तो उसके ऊपर दिया हुआ। अच्छा, इसके ऊपर ना मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि ऑटो के लिए कौन सा यूज होगा, ठीक है? तो आप उसे फेसबुक नहीं, उसे नंबर नहीं रिक्वायर कर सकते कि काइंडली सेंड मी योर नंबर, फोन नंबर। तो आप उसे ये चैट में नहीं कह सकते कि आप उसे कहें कि वो नंबर सेंड करें, आप उसे कहें कि उसे आपकी लॉगिन डिटेल चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसको इंटीग्रेट कर सकें। हाँ, तो वो उसको उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, उसको स्क्रीनशॉट सेंड करो कि दिस रिक्वायर्ड दिस वेरिफिकेशन, ठीक है, अंटिल इट कांट लॉग इन आई विल नॉट गो टू आई विल नॉट कंप्लीट योर टास्क, ठीक है?
इस तरह उससे मैसेज बना के देखो कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। और जो ऑटो तुम कह रहे हो ऑटो के लिए पोस्ट ऑन फेसबुक, वर्डप्रेस प्लगइन ऑटो फोकस, ये कुछ आ रहे हैं मेरे सामने, इनमें से कुछ फ्री भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। आप इसको थोड़ा सा सर्च कर लो। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है IFFT, ठीक है। ये देखो, ये मैं तुम्हें पोस्ट का लिंक सेंड करने लगा हूँ, इसको पढ़ो जरा, पोस्ट को पढ़ो, ठीक है। ये आपका जो इश्यू है वो रिजॉल्व करेगी। इमेज अच्छा डिजाइन, जी जी सॉरी, मैं आईडी ओपन नहीं कर सकता भाई, आईडी आपके पास ओपन है, बस वही मैंने देख लिया आपका आईडी ना। हाँ, मैंने अभी इधर से एनी डेस्क क्लोज कर दिया, उसकी रीजन थी कि वॉइस बहुत ज्यादा मुझे आ रही थी, इसलिए मैंने क्लोज किया। वी कैन हैव कॉल आफ्टर सम टाइम, डोंट बी वरी, मैं अवेलेबल हूँ आपको, ठीक है जी। जी, पीएचपी मुश्किल है? ब्रदर, एक दफा आप ना सिर्फ इसको गो थ्रू कर लो, डब्ल्यूसी स्कूल है ना जो, इसको एक दफा गो थ्रू कर लो। सबसे आसान लैंग्वेज है पीएचपी, साइन पे सबसे आसान, इजी बीजी काम है, कोई मसला ही नहीं है। आपको सिर्फ इसके बेसिक आने चाहिए, आपको वर्डप्रेस पे काम आ जाएगा, सिर्फ बेसिक आने चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आपको आपको प्रो हो, ठीक है। अगर तो आप प्रो हो तो फिर तो क्या कहने हैं आपके, क्या बात है। अगर आप सिर्फ सिंपल, आपको बेसिक आती है, क्रोड ऑपरेशन आता है, आपको चीजों का पता चला, तो आप इंशाल्लाह वर्डप्रेस में काम कर दोगे। पाइथन यार डिपेंड करता है, क्या वेबसाइट क्या बना रहे हो आप। पीएचपी का अपनी उसकी डिमांड है, पाइथन की अपनी डिमांड है। एक चीज बड़ी क्लियर है उस्मान, एक आपको लैंग्वेज आ गई ना सही, एक लैंग्वेज आपको आती है, आपके उसके कॉन्सेप्ट ठीक है, फिर आप किसी भी लैंग्वेज में मूव कर जाओगे तो कोई रोला नहीं है, ठीक है। यू कैन स्विच इजीली, आपको इशू नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कौन सी, C++ ठीक आती है, उसके उसके कॉन्सेप्ट आपको ठीक आते हैं, तो फिर तुम एक दफा इसको गो थ्रू करो, सिंटैक्स चेंज है सिर्फ और कुछ भी नहीं है, C++ के नियर टू है। कोई डिफरेंस नहीं है। अभी वो साइन अप फॉर्म हमने बनाना है, ठीक है, इसलिए बेफिक्र हो, परेशानी वाली बात नहीं है, इजी बिजी रहो। ये अभी हम कल यानी कि क्लासेज इनहेरिटेंस खत्म होगी तो फिर आगे हम चले जाएंगे, फॉर्म बना लेंगे, कोई बात नहीं है, दोबारा मैं करवा दूंगा। अल्लाह के बंदे, ये जो मैंने आपको पोस्ट अभी शेयर किया ना, इसको पढ़ो पहले, ये जो मैंने अभी पोस्ट आपको शेयर, ये मैंने फेसबुक कमेंट्स में किया है, अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो तो आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, ठीक है। ये है, ये तीन इसने प्लगइन बताए हैं, ठीक है, इसको देखो अगर ये आपके काम की है, ठीक है। मैं जरा आप आदिल की वो चेक कर लूं, गिग जो है जो इसकी वो चेक कर लूं, आदिल बेसिक वेबसाइट फॉर स्मॉल बिजनेस विद इन 3 यूनिक पेजेस, ठीक है, सेंटर क्वालिटी साइट विद 5 पेजेस, ठीक है, प्रीमियम, ठीक है, चेंज, ठीक है।
क्या नाम आदिल ब्रदर, आपने ना डेज बहुत ज्यादा दिए हैं, 10 दिन बहुत ज्यादा है। देसी के लिए भी 12 ये कम करें इसको, आप आए 3 5 7 पे हैं, 3 5 7 पे हैं। आदिल, कैन यू हियर मी? आदिल आपने ना मेरे से कम्युनिकेशन करनी है थोड़ी सी, मैं आपसे बात करूंगा। फैसल कैसे हैं, सॉरी जिशान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? जिशान कैन यू हियर मी? आपने ना तो जैसे ही क्लास खत्म होती है या आप मुझे लाइव चैट पे आ जाएंगे, ठीक है? मैं इधर से जब ये ऑफ करूंगा, स्टीम ऑफ करूंगा, तो हम लाइव बात करेंगे, ठीक है? आप लाइव आ जाएं अगर पॉसिबल है आपके लिए। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम निशान, कैसे हैं आप? कैन यू हियर मी निशान? हेलो, निशान कैन यू हियर मी? आपको वालेकुम आवाज आ रही है सलाम सर, निशान? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शान क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, काम कैसे जा रहा? जी सर, मुझे आवाज आ रही है। सर बहुत ज्यादा डिले आ रहा है हम दोनों की कम्युनिकेशन में। जिशान हम ना कल के पर रखते हैं, कल ना आप मुझे आधा घंटा देंगे, ठीक है? हम 10:30 से लेके ना 11 बजे तक बात करेंगे, इज इट पॉसिबल? ठीक है सर, नो इश्यूज, क्योंकि आज मेरा नेट का भी इशू चल रहा है और कम्युनिकेशन डिले बहुत ज्यादा है, तो मे बी कल तक ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह कल हम फिर बात करेंगे, हम अपवर्ड के ऊपर कल इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है? श्योर सर, श्योर, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा अभी मेरे पास आदिल काइंडली लाइव आए, आपसे मुझे कम्युनिकेशन करनी है कि एक छोटी सी बात करनी है। ये कमेंट आया, कमेंट में पहले देख लूंगी इसका आरटी मनान। अच्छा एक बात की मुझे कंफ्यूजन रही रही है, ठीक है? सर जब हम बिडिंग करते हैं तो क्या हम अपनी गिग की रेट्स भी अकॉर्डिंग टू बिडिंग रेट्स कर सकते हैं? हम अकॉर्डिंग टू बिडिंग रेट भी कर सकते हैं, हम रेट चेंज भी कर सकते हैं आरटी मनान, दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं, ठीक है? हम रेट्स को चेंज भी कर सकते हैं, उसी रेट पे भी कर सकते हैं। जब हम बिड कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम 100 में से 95% होता है कि हम जो काम कर रहे होते हैं वो कस्टमाइज होता है, ठीक है? जब हम कस्टमाइज काम करते हैं तो फिर उसका रेट भी कस्टमाइज होता है, उसके चीज पैसे चेंज होते हैं, तो उसके हवाले से आप जो भी रेट करें तो उसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है? मुझे आदिल काइंडली ज्वाइन करें। यहाँ पर टास्क है, आपने जो मैंने लिंक से सेंड किया, ठीक है? ट्यूटोरियल है पीएचपी का, आपने इसको गो थ्रू करना है। आर यू कमिंग और नॉट, काइंडली मुझे कंफर्म कर दें आदिल, आप आ रहे हैं लाइव कि नहीं?
अच्छा जी, आदिल अभी अवेलेबल नहीं है। इसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो काइंडली कमेंट करें, मुझे बताएं। कल इंशाल्लाह हम इनहेरिटेंस पे बात करेंगे। कल इनहेरिटेंस के साथ आई विल प्रेफर के कुछ मैं और भी ज्यादा ऐड ऑन करूं ताकि थोड़ी सी चीजें फास्ट हो सकें। किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो काइंडली मुझे बता दें। किसी का क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, काइंडली मुझे कांटेक्ट करें। फैसल इफ्तिकार, जो आपने भी मेरे साथ कम्युनिकेशन में रहना है, मुझे कॉल कर लेना। कोई भी कोई इशू आता है तो मैं चला अवेलेबल हूँ। इमेज रेफरेंस फाइल बुरहान यूसुफ जी, सोर्स ये दिया आपने, ये क्या इशू क्या कर रही है आप? अगर फाइल कॉलन ठीक है, तीन जो बैक स्लैशेज हैं उनको रिमूव करें फिर भी ये चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। आदिल काइंडली आप इस लिंक के ऊपर आएं, मैं आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ। एक जो अभी मैंने आपकी गिग देखी है इसके वाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। लेट मी सेंड यू अगेन, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस लिंक। ठीक है, वंस यू विल क्लिक इट आई वुड एबल टू कम्युनिकेट विद यू। अच्छा, मुझे नहीं था पता, मुझे इसका इल्म नहीं है कि अगर फायरफॉक्स पे हमने शो करवाना है तो उसके लिए ट्रिपल स्लैश लिखना पड़ता है। वैसे भी हमारा इमेज शो हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। मेरे पास अभी फायरफॉक्स नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता। आप सिंपल वो जो कोड हमने किया था पीएचपी के लिए, वो सॉरी एचटीएमएल के लिए, वही हम उसके लिए करेंगे तो हमें वहां पर शो होना शुरू हो जाएगा। आदिल मैं आपको अभी, आपके डिवाइस कनेक्ट नहीं है, जैसे ही डिवाइस कनेक्ट होगा तो मैं आपको लाइव दे दूंगा। आप में से किसी ने इस यानी कि जो लास्ट 2 मंथ है इसमें कोई ऑर्डर किए हैं या प्रोजेक्ट विन किया है, कोई कंप्लीट किया है तो काइंडली उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर दें आप। अभी ना कंफ्यूजन होगी बुरहान, अभी ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मे भी कोई स्पेसिफिक रीजन हो, स्पेसिफिक कंडीशन हो। ओके, आदिल हमारे साथ है, आदिल के साथ मैंने कम्युनिकेशन करनी है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे कमेंट में रिस्पॉन्स करूंगा। अभी मैं थोड़ी सी आदिल के साथ बात कर लूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज।